अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआज़ यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट बलवशा सईद। ख्वाब की ताबीत के सफ़र में आज हमारे साथ नोआ के एक बहुत ही स्पेशल स्टार सरमद शहबाज मौजूद हैं, जिन्होंने CSS 2022 में बहुत नुमाया कामयाबी हासिल की है। सरमद पाकिस्तान में पंजाब से बिलोंग करते हैं, चकवाल से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने CSS 2022 में पाकिस्तान में 86 पोजीशन हासिल की है। आइए हम उनसे उनके कामयाबी के सफ़र के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरमद, कैसे हैं आप? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसा लग रहा है आपके, लाइक तासुरात कैसे हैं इस कामयाबी पे? अच्छा, अभी तक तो लाइक अब तो इट्स बीन अ टाइम नाउ, बट आई वुड से कि अभी भी स्टेट ऑफ यू नो ओब्लिवियन में है। ठीक है, यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा बिकॉज इट वॉज समथिंग जो कि इंसान काफ़ी टाइम तक सोचता रहता है, ओके दिस इज़ माई विश, दिस इज़ माई ड्रीम। वो जब अचीव हो जाती है तो लोग कहते हैं ओके दिस इज़ समथिंग एंड नाउ आई हैव दैट। वो एक बड़ा अच्छा फीलिंग आ रही है। बिल्कुल। तो समद, आप हमारे देखने वालों को थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। श्योर श्योर। सो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, फर्स्टली माय पेरेंट्स, माय फादर इज़ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर एंड माय मदर वाज अ हाउसवाइफ। वी आर 5 ब्रदर्स, मैं सबसे छोटा हूँ घर पर। माई एल्डेस्ट ब्रदर इज इन द गवर्नमेंट सर्विस, नॉट CSS बट इन द गवर्नमेंट सर्विस। देन देयर इज़ द सेकेंड ब्रदर हु इज़ एन नॉटिकल इंजीनियर। देन मेरे जो थर्ड नंबर पे भाई हैं वो एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर हैं। जो फोर्थ नंबर पे भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं, ही इज़ आल्सो वर्किंग इन एन HR फर्म। एंड देन इट्स मी, दिस इज माई फैमिली बैकग्राउंड एंड वी आर फ्रॉम चकवाल, वी आर 5 ब्रदर्स एंड यस दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे छोटे हैं घर में तो फिर लाडले होंगे बहुत। हाँ, ये वैसे हर बंदा वैसे ये क्वेश्चन करता है। आई वुड से कि मैं लाडला तो नहीं हूँ, बट आई एम अ पर्सन जिसको काफ़ी गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा मिली है, मेंटोरशिप काफ़ी अच्छी मिली है। एंड लाडले से साथ साथ में ये अगेन पैम्पर्ड वाली चीज़ नहीं होगी, बट द थिंग इज़ दैट कि जब आप बड़ों की मिस्टेक्स या बड़ों से सीखते हैं तो आप उन चीज़ों को रिपीट नहीं करते। फिर जब आप उन चीज़ों को रिपीट नहीं करते देन आपके लिए वो स्पेशल प्रिविलेज होती है। ऐसा ही yes. है। और अब बताइए अपना थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड, लाइक इब्तदाई तालीम से हम आपके शुरू करते हैं कि स्टार्ट में जो आपकी इनिशियल एजुकेशन थी और फिर देन आपने ग्रेजुएशन जो किया। श्योर श्योर। तो जो मेरी इनिशियल एजुकेशन थी जो स्कूल से मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि आई एम नॉट फ्रॉम अ हाईली यू नो फेम्ड और समथिंग, ऐसा मेरा कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी इवन, आई एम जस्ट अ मीडियोकर स्टूडेंट। आई वाज थ्रू आउट द एजुकेशनल करियर, मेरा जो स्टार्ट था वो न्यू सिद्दीक पब्लिक स्कूल से था, इट वाज इन अ प्राइवेट स्कूल इन रावलपिंडी। देन मैंने पंजाब कॉलेज से अपनी इंटरमीडिएट किया, FSC प्री इंजीनियरिंग, दैट इज़ अगेन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। देन मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, बैक इन 2020 दिसंबर में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। एंड सिंस देन आई बीन working and I'm also being you know preparing for the sales services. ठीक है। और जैसे अभी इंटरव्यू से पहले मेरी सरमद आपसे डिस्कशन हो रही थी और आपने बताया कि आप साथ जॉब भी कर रहे थे, तो साथ पढ़ाई भी चल रही है, जॉब भी कर रहे हैं, और CSS के लिए टाइम कैसे निकाल लिया? एग्जैक्टली, दिस इज ये बड़ा एक क्रिटिकल, लेकिन अगेन एक शेडिंग यू नो इफ यू शेड लाइट ऑन दिस क्वेश्चन, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली आजकल पाकिस्तान के दौर में जब हम देखते हैं इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, जब हम देखते हैं यू नो फैमिलीज आर अनएबल टू कैरी देयर चिल्ड्रन एंड सब कुछ, यू हैव टू अर्न योर सेल्फ। इसमें मैं ये कहूँगा कि माई फैमिली वॉज प्रिविलेज्ड, लेकिन हर बंदे की फैमिली नहीं होती। सो 15th दिसंबर वॉज माई फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट आफ्टर माई ग्रेजुएशन, मुझे जॉब मिली। ठीक है। एंड बाय 28th ऑफ फरवरी 2021 मैंने डिसाइड कर लिया था ओके दिस इज नॉट माई प्लेस, आई हैव टू गो फॉर द सिविल सर्विसेज। ठीक है। 7th अप्रैल, आई स्टिल रिमेंबर द डेट्स बाय द वे, 7th अप्रैल को 2021 को मैंने डिसाइड किया कि ओके आई एम गोइंग टू द बेस्टर बुक्स, टू अ बुक शॉप, वहाँ से मैं किताबें लूँगा जाकर, एंड वहाँ से किताबें लाकर आई विल सेलेक्ट माय यू नो सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद वो किताबें लाऊंगा, मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। ठीक है। सो एट दैट टाइम मैंने उसको स्टार्ट किया। एंड बिकॉज मैं आपको अपनी जॉब्स की टाइमिंग भी बताता हूँ, काफ़ी डिफरेंट टाइमिंग है, लोग समझते हैं 9 to 5 जॉब होती है, मेरी 5 to 3 जॉब थी, 5 PM एंड टिल 3 AM। एंड बिकॉज मेरा एक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब थी, एंड जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देख रहे हैं या जितने भी इंजीनियर्स देख रहे हैं उनको ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा कि कितनी टफ जॉब होती है। बिल्कुल। सो एंड वो अगेन लेट सेटिंग नाइट की जॉब थी। सो इसके थ्रू मैंने काफ़ी कुछ मैनेज किया, काफ़ी डिसिप्लिन रहा। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना भी चाहता हूँ कि मेरी सक्सेस का सिर्फ एक राज है, मैं कोई इतना ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा मैं गोल्ड मेडलिस्ट था समथिंग लाइक दैट, बट आई वुड जस्ट से वन थिंग कि आइदर यू हैव टू बियर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। मैंने ये अपने दिमाग में रखा हुआ था कि या तो मैं डिसिप्लिन हो गया, जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा, देन आई विल गेट थ्रू द CSS इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, आइदर और फिर मैं या तो मैं रिग्रेट करूँगा या मैंने नहीं किया।
ठीक है, तो ये था मेरा एक जर्नी थी सिविल सर्विसेज में, और यही इसी ने मुझे थ्रू आउट मोटिवेट भी किया। ठीक है, तो ये जो आपका सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने का जर्नी स्टार्ट हुआ, आपने अपनी तैयारी शुरू की, तो इसके पीछे भी तो कोई मोटिवेशन होगी ना, क्योंकि आप एक जॉब भी कर रहे हैं और फिर मतलब आपने अपनी जो टाइमिंग्स बताई हैं वो भी बहुत डिफरेंट हैं, तो बहुत कम वक्त मिलता है सोचने का कि हमें ये नहीं थोड़ा इस डायरेक्शन को चेंज करके कुछ और कर लेना चाहिए, तो आपके पीछे क्या मोटिवेशन थी कि भाई अब मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और मुझे ये करना है? ओके, फर्स्टली तो मैं इस चीज़ को मेंशन करूँगा कि मेरे जो फादर हैं एंड मेरे एल्डेस्ट ब्रदर, ऑल ऑफ द सिबलिंग्स एज वेल, उन सब ने मुझे मोटिवेट किया था सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, बट अगेन जब आपके अंदर से मोटिवेशन ना आए तब तक वो मोटिवेशन मानी नहीं रखती आपके लिए। ठीक है, मेरे लिए मोटिवेशन क्या थी, 2016 से आई वॉज इन टू द को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, एंड थ्रू आउट माई यू नो इवन टिल टूडे आई एम स्टिल इन टू द को करिकुलर एक्टिविटीज। तो तब मैंने रियलाइज किया कि इफ़ यू वॉन्ट टू पे बैक टू द सोसाइटी, इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क फॉर द सोसाइटी, और अगर आप ग्राउंड लेवल पर बैक लाना चाहते हैं देन आपको गवर्नमेंट का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, दिस वॉज माई सोल एंड आई वुड से द हाइएस्ट प्रायोरिटी एंड द मोटिवेशन आई हैड। देन जब मैंने जॉब स्टार्ट की, ठीक है, आई केम टू नो कि दिस इज नॉट माई प्लेस, बिकॉज मैं डिफरेंट कोकरिकुलर एक्टिविटीज में रहा था। मैं आपको अभी अपना एक्सपीरियंसिस भी शेयर करूँगा। जी जी, एट दैट टाइम फिर मुझे आइडिया हो कि ओके आई एम नॉट अ पर्सन जो कि सिर्फ एक ऑफिस में बैठ कर कोडिंग करेगा। ठीक है, इट्स नॉट बैड, इट्स अ रियली गुड अचीवमेंट, आप करें, आप यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी वन वे और अनदर। बट फॉर मी अ पर्सन लाइक मी हु हैज़ टू गो फॉर यू नो मैनेजेरियल पोजिशंस एंड ऑल दैट, तो मैंने वहाँ पे जब उसको ये सब कुछ देखा तो मैंने कहा आई विल ऑप्ट फॉर द सिविल सर्विसेज। सो दिस वॉज माई प्रायर मोटिवेशन, एंड देन इट्स द पीपल एक्चुअली यू नो, आपको लोग आपकी मोटिवेशन खुद बनते हैं। आप जब लोगों को देखते हैं कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं किसी तरह भी, एंड देन लैंडिंग इन टू अ गुड ग्रुप, ऑल ऑफ द ग्रुप्स आर वेल, लेकिन जो पब्लिक डीलिंग वाले ग्रुप होते हैं उसमें जब आप लैंड करते हैं देन आप डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, डायरेक्टली चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दीज वर माई मोटिवेशन। अच्छा, अब आप मैं आपसे आपके रिटर्न से स्टार्ट करूँगी, जो आपने CSS की तैयारी शुरू की, तो आपने जैसे बताया कि आप बुक शॉप पे गए और आपने बुक्स ली और आपने तैयारी शुरू कर दी, तो आपने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की, अभी आपसे बात हो रही थी, आपने अपने रिटर्न को खुद प्रिपेयर किया। तो सर मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे की, ये कैसे लगा कि यार जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, जनरल स्टडीज, US हिस्ट्री और पब्लिक एड, ये आपके ऑप्शनल्स हैं, तो इन ऑप्शनल्स को किन बेसिस पे सिलेक्ट किया आपने? दैट्स एक्चुअली अ रियली परफेक्ट क्वेश्चन फॉर मी, बिकॉज जो मेरे इंटरेस्ट थे मैंने इनिशियली उनको ही देखा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि पॉलिटिकल साइंस एंड देन आई परसूड अ मास्टर्स इन इट ड्यूरिंग आई वाज डूइंग अ जॉब, काफी अनरियलिस्टिक लगता है। आई वाज डूइंग अ जॉब सिविल सर्विसेज की, मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था, देन आई वाज डूइंग अ मास्टर्स इन द पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का तो मेरा वहां से आ गया। ओके, आई वांट टू गो फॉर द पॉलिटिकल साइंस। फॉर सोशियोलॉजी बिकॉज आई वाज एक्चुअली आई वांटेड टू नो हाउ द सोसाइटी रन एंड हाउ सोसाइटी इज वर्किंग, यू नो लोग कैसे होते हैं, उनके बिहेवियर्स कैसे होते हैं। सो आई हैड दिस ऑप्शन टू गो फॉर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, बट बिकॉज मैं एक कलेक्टिव थिंकिंग के ऊपर देख रहा था तो दैट्स व्हाई ऑप्टेड फॉर सोशियोलॉजी। जेंडर स्टडीज टू बी रियली ऑनेस्ट इट्स इट वाज अ सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट था, आई ऑप्टेड फॉर दैट एंड आई गेस आई गॉट अ गुड मार्क्स इन दैट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप वन वे और अनदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं, जिस ग्रुप में भी आप लैंड करें। एंड हिस्ट्री ऑफ USA, इसके लिए इसके पीछे एक बड़ी यू नो एक काफ़ी लंबी कहानी है, बट आई विल कंसाइज इट। आई हैव बीन टू USA ऑन अ स्टेट फंडेड प्रोग्राम बाय द US एम्बेसी बैक इन 2019, इट वॉज SUSY 2019, एंड वहाँ पे हमें पब्लिक पॉलिसी पढ़ाई जाती है। ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स पे हार्वर्ड में एंड MIT के अंदर हमारे लेक्चर्स थे, टूर्स थे एंड ऑल दैट। तो एट दैट टाइम US ने मुझे काफ़ी फैसिनेट किया, दो आई बीन टू अदर कंट्रीज एज वेल, बट US की एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन इट्स एक्चुअल सेंस इज फ्रॉम द US। तो मुझे वो USA की हिस्ट्री एंड देन बिकॉज आपको रेलिवेंट नॉलेज मिलता है, देन आपके ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं एक क्विक फैक्ट दूँ इसमें, वो ये है कि द फाउंडर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वुड्रो विल्सन, एंड वुड्रो विल्सन वॉज एक्चुअली द प्रेजिडेंट ऑफ USA इन द वर्ल्ड वॉर 1। So you know overlapping subjects open, so that's why I opted for USA. ठीक है, तो मतलब आपकी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन की अप्रोच थी बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच थी, इंटरेस्ट भी कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट देखा, देन ओवरलैपिंग देखी और साथ जो है वो आपने स्कोरिंग ट्रेंड भी देखा। तो मेरे ख्याल में बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने ऑप्ट किया और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी लिया। मैं चाहूँगी अपने देखने वालों के साथ आपके ऑप्शनल्स का स्कोर शेयर करूँ। पोलिटिकल साइंस में आपने 140 लिया है, जनरल स्टडीज़ में 81 है और US हिस्ट्री में 46, पब्लिक एड में 46। अच्छा, जनरल स्टडीज़ में जो आपका 81 स्कोर है और पोलिटिकल
साइंस में 140 स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है ये. इस स्कोर को कैसे आपने मतलब क्या खुद तैयारी कर रहे थे ना, खुद पढ़ रहे थे, तो मैं ये चाहूंगी कि तो कुछ सोर्सेज भी शेयर करें जहां से आपने अपना नोट्स वगैरह बनाए, कंटेंट इकट्ठा किया, सिलेबस कवर किया, और FPSC की रिकमेंडेड बुक्स थी या कुछ और रेफरेंसेस को देखा वो भी बताएं, और फिर नोट्स कैसे बनाए और इनकी तैयारी कैसे की. ओके, जो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं आपको तैयारी बताता हूँ वो मैंने ऐसे की. आई हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन फिलोसफी. फ्रेडरिक नीचे माय फेवरेट फिलोसोफर. ही इज नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसोफर अगेन, बट फिलोसफी के अंदर आपको इंटरेस्ट हो, बिकॉज हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल फिलोसफी काफ़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, तो आपके क्वेश्चन वहाँ से आते हैं. मैंने हर सब्जेक्ट्स की जो मेरी एक स्कीम थी वो इस तरह मैंने उसको ऑप्ट किया कि आई गॉट वन इंटरनेशनल ऑर्डर बुक एंड द अदर लोकल ऑर्डर बुक. तो मुझे एक इंटरनेशनल परस्पेक्टिव भी मिल रहा था और एक मुझे लोकल परस्पेक्टिव भी मिल रहा है. इसके साथ साथ अगेन कॉशन अबाउट दैट, कहीं से भी आपको लर्निंग मिल रही हो यू शुडंट बी स्टॉपिंग इट देयर ओवर. अब आपको लर्निंग फॉर एग्जांपल आपको किसी भी वेबसाइट से मिल रही है, चाहे वो इंडियन हो, वो पाकिस्तानी हो, वो आपकी वेबसाइट US की हो, वो आपकी वेबसाइट कहीं की भी हो, कुछ भी हो, वो लर्निंग ग्रैस्प करें. ठीक है. नाउ आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब चैनल्स. मैंने काफ़ी ज़्यादा चैनल्स देखे हैं, वो मैं अब देखता हूँ अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट, तो मैं कहता हूँ इतने ज़्यादा चैनल्स मैंने कैसे सब्सक्राइब कर लिए. मैंने क्विक फैक्ट्स देखे. ठीक है. इन सारी चीज़ों के थ्रू मैंने लर्निंग की. देन मैंने जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, बिकॉज ऑल हिस्ट्री इज़ ऑल पॉलिटिक्स, तो आपका एक यू नो माइंड बनता है. जब आपका माइंड स्टेट हो गया देन यू नो यू कैन गेट थ्रू एनी थिंग. एंड जब आपको पता चल गया कि दिस कैन बी पुट इन दिस वे एंड इसको हम इस तरह मोल्ड करते हैं, तो दिस इज हाउ आई वेंट फॉर द पॉलिटिकल साइंस. ठीक है. फॉर जेंडर स्टडीज मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की, टू बी रियली ऑनेस्ट. ठीक है. किसी बुक से जेंडर स्टडीज़ का नहीं पढ़ा. MCQs मैंने किए थे, वो मैं डेफिनेटली एग्री करूँगा, लेकिन मैंने जेंडर स्टडीज़ का थ्रू आउट यूट्यूब से मैंने पढ़ा. ठीक है. नो बुक. और इस्लामियत में आपका बहुत अच्छा स्कोर है, 70 स्कोर लिया आपने, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? अच्छा, उसके अंदर ये चीज़ थी कि मैंने हर मेरा एक्चुअली पेपर जो अटेम्प्टिंग टेक्निक थी इस्लामियत की, वैसे तो सब पेपर्स की अटेम्प्टिंग टेक्निक मैंने तकरीबन सेम ही रखी, लेकिन इस्लामियत के अंदर जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक थी और जो पेपर मैंने यू नो जो अपना नॉलेज अगेन जहाँ से पढ़ा था, इट वॉज अगेन फ्रॉम आई एक्चुअली मैंने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा, टू बी रियली ऑनेस्ट. अच्छा. इस पूरे टाइम में तो एक बिकॉज इस्लामियात इज होली बेस्ड ऑन द कुरान, एंड उसमें मेरी अपनी सेल्फ लर्निंग भी हुई, एक यू नो सवाब का काम भी है, एंड देन एक आप दिल से जब पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती. तो आई वॉज क्वाइट श्योर अबाउट कि किस आयात को किस जगह पे मैंने रेफर करना है. ठीक है. सेकेंड थिंग दिस कि मैंने इस्लामियात का पेपर उसमें मैंने एक लफ्ज़ भी अरबी का नहीं लिखा. ठीक है. मैं थ्रू आउट इंग्लिश लिखी है. अच्छा. लोग क्या करते हैं, अरबी लिखते हैं या उर्दू में भी लिखते थे, लेकिन आपने वो कुरान की भी ट्रांसलेशन लिखी है? और मैंने सिर्फ कुरान की ट्रांसलेशन लिखी. ठीक है. दैट्स इट. के रेफरिंग सूरह बकरा. ठीक है. दिस एंड मैंने उसके अंदर वहाँ पे लिख लिया. सो दिस वाज माय अटेम्प्टिंग टेक्निक. और हर एक पॉइंट को मैंने इस्लामियात में एक रेफरेंस कोट, हदीस, वाकिया या जो भी आपका यू नो यू कैन गेट फ्रॉम द हिस्ट्री इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हो, आई गॉट इट दैट ओवर देयर. ठीक है. तो ये आपकी इस्लामियत के हवाले से आपकी जो है वो स्ट्रैटेजी थी. अच्छा, रिटर्न के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं, तो एक आगे आप चीज़ शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि नोट्स आप अपने किस तरह से बनाते थे? वैसे आजकल क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे ही रिलाई करते हैं, तो ई नोट्स बनाए या फिर खुद लिखते थे? क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आपके पास ई नोट्स हों तो आपकी जो है वो रिटर्न प्रैक्टिस इतनी नहीं होती, और क्योंकि पेपर आपने 3 घंटे बैठ के लिखना होता है तो फिर आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो आप अपने नोट्स किस तरह से बनाते हैं? एग्जैक्टली. अच्छा, फर्स्टली इसमें बिफोर गोइंग टू योर क्वेश्चन आई वुड से कि राइटिंग जो है आपकी राइटिंग स्टाइल, एक होता है जो राइटिंग आप खुशखती जो होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती कि आपकी राइटिंग बहुत फ्लॉलेस है और आपके इतनी वो डिज़ाइनर राइटिंग है. नहीं, इट डजेंट मैटर. द थिंग इज दैट जो स्पीड की आपने बात की, दैट्स टोटली ट्रू. ठीक है. मैंने अपने नोट्स ई नोट्स बनाए, लेकिन ई नोट्स बनाने से पहले मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए थे क्योंकि मैंने रिटर्न ही बनाए थे. ठीक है. तो मैंने हर सब्जेक्ट के 2 रजिस्टर्स खत्म किए थे. अच्छा. यस. एंड ये मैं व्यूअर्स को भी बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट के अगर आप 2 रजिस्टर या 1 रजिस्टर भी खत्म कर लें लॉन्ग नोट्स बनाकर, कि मेन चीज़ें आपने कहीं से यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी आप कर रहे हैं उसको आप इंकलकेट कर लें उस रजिस्टर के अंदर, देन शॉर्ट नोट्स जो मैंने ई नोट्स बनाए थे उसमें इंकलकेट करना, इट्स नॉट डिफिकल्ट. खैर, जब मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए तब मेरी रिटर्न की प्रैक्टिस भी होगी. देन रिटर्न की प्रैक्टिस मेरी इस तरह भी हो रही थी कि आई वॉज डूइंग एसे की प्रैक्टिस. तो बिकॉज लिखना है, लिखने की स्पीड है, तो वो आपकी एसे से भी पूरी हो जाती है. ठीक है. अब जो ई नोट्स की आपने बात की, उसमें मैंने गूगल नोट्स एंड गूगल डॉक्स यूज़ किया, गूगल के सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जो कि क्लाउड बेस्ड हैं,
वो मैंने इस वजह से यूज़ किया बिकॉज आपका कभी भी डाटा करप्ट हो सकता है, जैसे आई वाज टेलिंग यू थ्रू माय इंटरव्यू जो चीज़ हुई, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया. सो मैं अगर चल रहा होता था तो मैंने मोबाइल ओपन किया, गूगल डॉक्स खोले, आई वाज स्टडिंग, यू नो, आई वाज हैविंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स कि मैं खुद जब यूट्यूब पे मैंने कोई चीज़ डाउनलोड की है तो मैं सुन रहा होता था. तो अपने आप को इतना आप ऑक्यूपाइड रखें चीज़ों के साथ कि आपकी हर तरह से लर्निंग हो रही हो. सो जो ई नोट्स थे दैट वर रियली हेल्पफुल. ऐसा नहीं है कि ई नोट्स बनाने की वजह से रिटर्न आपकी इतनी थोड़ा वीक हो जाती है समथिंग. ओकेजनली डू प्रैक्टिस, ओकेजनली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कोई इतना इशू होगा. अच्छा समय आपने चेकिंग भी कराई थी कोई लाइक इवेल्युएशन या असेसमेंट कराई थी अपने लिखे हुए जो भी आपका रिटर्न वर्क था, जैसे ऐसे की प्रैक्टिस आप कह रहे थे प्रेसिव है रहा कि, या इवेल्युएट नहीं कराया? नहीं, मैंने इवेल्युएट करवाए थे, डेफिनेटली करवाए थे. मैं लोगों के दफातर के बाहर मैं लोगों का मैसेज का वेट कर रहा होता था. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस CSP, वो खुद भी सिविल सर्विसेज से ही हैं. मैं उनसे बात कर रहा था एंड मैंने उनको अपना एसएस शेयर किया हुआ. इस्लामाबाद में देयर वाज इट वाज लाइक रेनिंग कैट्स एंड डॉग. मैं एक गाड़ी के अंदर एक ट्री के नीचे खड़ा हुआ, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ मैं, एंड उनकी कॉल आ गई मुझे. एंड ही इज़ नॉट ही फ्रॉम द फॉरेन सर्विसेज, तो उनकी मुझे कॉल आ गई एंड मैंने गाड़ी वहीं पर पार्क की एंड उनसे एक घंटा बात करता रहा कि क्या कैसे आपने मेरा एवेल्युएट किया, मुझे बताएं यहाँ से. उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई. तो यू हैव टू फाइंड राइट पीपल. ठीक है, दे कैन बी योर टीचर्स, दे कैन बी सिविल सर्वेंट्स, दे कैन बी योर फ्रेंड्स, दे कैन बी योर सिबलिंग्स, लेकिन ट्राई टू फाइंड राइट पीपल. जब आपको वो मिल जाएंगे आप उनको एवेल्युएशन के लिए रिक्वेस्ट करें, डेफिनेटली लोग एवेल्युएट करेंगे. बिल्कुल. तो दिस इज हाउ. और लेकिन ये आपकी डेडिकेशन भी है ना कि exactly, आपने एक घंटे exactly, वहाँ पे खड़े होकर बात exactly, की exactly, कि मतलब यू हैव टू बी डेडिकेटेड. देखें, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अगर आपने आपके अंदर वो विल ही नहीं है तो हाउ कैन यू फाइंड दैट वे. बिल्कुल. अच्छा सरमद, मैं ये चाहूंगी कि अब आप मुझे ये बताएं कि एग्जाम रिविजन कितने इंपॉर्टेंट है. मतलब पहले ये होता ना कि हम सिलेबस भी कवर हो गया है, नोट्स भी बना लिए हैं, डिटेल नोट्स बना लिए हैं, फिर बाद में बुलेट नोट्स भी बना लिए. लेकिन जैसे आपको पता है कि FPSC की डेट शीट आती है CSS की, वो एक दिन में दो पेपर्स हैं, एक हफ्ते में आपने जो है गेम जो है वो खत्म हो जानी है. तो वो जो एक हफ्ते की गेम है उसमें मतलब कैसे किया आपने, वो रिवाइज किया था कि बस जो पहले पढ़ा हुआ था वो आपका एक हफ्ते की जो आपने गेम कही उसमें वो जो प्रेशर जो होता है ना वो बियर कर लेना, वही बहुत बड़ी वो आपने कैसे किया. प्रेशर पे भी बात करते हैं, देन रिवीजन पे भी बात करते हैं. जो प्रेशर था, मैंने अपनी नींद पूरी की. टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं अपने आपको इतना बर्डन नहीं करना चाहता बिकॉज आई वाज डूइंग अ जॉब एज वेल एंड ये तो काफ़ी चीज़ें चल रही होती है. तो काफ़ी लोग हैं जिनके लिए ऐसा नहीं होता, तो काफ़ी लोग हैं जिनके लिए ऐसा होता है, हु आर रनिंग देयर होम्स, हु हैव टू सपोर्ट देमसेल्व्स, एंड अगेन आप एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे होते हैं. इन माई केस इट वॉज एक्सपीरियंस कि यार मैं कभी ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज के ऊपर बेटिंग एवरीथिंग. देयर शुड बी अ प्लान बी, बट अगेन आपका प्लान ए ही इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि यू शुड गो फॉर दैट. ठीक है. नाउ जो आपने बात की है उस प्रेशर को मैंने इस तरह भी किया, वॉज रिलैक्सिंग माई सेल्फ. नाउ जो आपने इस चीज़ की बात की है कि एक दिन में दो पेपर्स होते हैं, यू हैव टू यू नो उसका जहाँ पे मेरा सेंटर था वहाँ पे मैं आपको स्ट्रेट अवे स्टोरी बताता हूँ. मैं सुबह सेंटर में जाता था, पेपर दिया, सेंटर के पास एक मस्जिद थी, वहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स लेकर वहाँ पे चला जाता था. जो ई नोट्स बनाए थे उनको मैंने प्रिंट करवा लिया था. ठीक है. उस मस्जिद में बैठ के मैं एक डेढ़ घंटा पढ़ता था. मैं घर से अपना लंच बॉक्स लाता था. ठीक है, बरकत में तो मस्जिद की नजर आ रही है. यस यस ठीक है. एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. मैंने वो लंच किया, मैंने बैक टू द सेंटर, पेपर दिया, घर वापस आया, थोड़ा सा सोया, उठा, वो शॉर्ट नोट्स ही पढ़े. अब वो शॉर्ट नोट्स आपके इतने कॉन्क्रीट होने चाहिए कि आपको जो आपने एक महीना लगाया एक सब्जेक्ट के ऊपर वो आपको एक घंटे के अंदर कवर हो जाने चाहिए. अब वो शॉर्ट नोट्स आपने बनाने हैं. डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा तो नहीं हो सका, पलवशा आपको बताएंगी तो वैसा नहीं हो सका, बिकॉज आपने अपनी थिंकिंग प्रोसेस को उस चीज़ पे प्रोजेक्ट करना है. ठीक है. दैट्स हाउ यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड दे आर रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है. रियली रियली इंपॉर्टेंट. तो ये सब आपको बताने चाहिए. ठीक है. अच्छा अब ना मैं थोड़े आपकी हॉबीज़ की तरफ आऊँगी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ आऊँगी. जैसे आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि 2022 में अगस्त में आपको मार्शल यूनाइटेड नेशन से जो है वो यूथ आइकन का अवार्ड भी मिला और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में आप रहे. तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस भी हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें और साथ ये भी बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ हॉबीज़ को और दूसरे मशागल को भी लेके चलें बजाय इसके तरफ आप किताबी कीड़ा बन जाएं और साथ जॉब भी अगर कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और बस उस तक खुद को महदूद कर दिया तो वो जो एक स्ट्रेस मैनेज होता है वो इस तरह से होता है कि आप साथ जो है अपने हॉबीज़ को भी लेके चलें, खुद को रिलैक्स भी करें. तो आप जिन एक्टिविटीज़ में थे वो भी हमारे साथ शेयर करें और साथ हॉबीज़ कितने इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एस्पायरेंट के लिए वो भी शेयर करें. श्योर. सो ये जो मेरी पहले तो मैं आपको हॉबीज़ बता देता हूँ, आई विल लिस्ट इट डाउन. मैं बुक रीडिंग करता हूँ. ठीक है. तो काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर दिया मैंने बुक रीडिंग. फिलासफी भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. मैं ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशन करता हूँ. मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ. इसके साथ साथ आई लव राइटिंग, राइट फॉर न्यूज़पेपर्स.
इन पाकिस्तान आउटसाइड पाकिस्तान आई वाज लाइक आई वुड लाइक टू कोट दिस के मेरा एक आर्टिकल था डाटा साइंस के ऊपर आई पब्लिश दैट इन 2022 एंड इट गॉट पब्लिश इन फिनलैंड करिकुलम तो वो नेशनल करिकुलम में फिनलैंड में पढ़ाया जाता है तो ये कुछ हॉबीज थी मेरी आई यूज्ड टू राइट आई यूज्ड टू रीड आई यूज्ड टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज एंड बायोग्राफीज तो ये मेरी कुछ हॉबीज थी नाउ गेटिंग बैक टू द एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज मैं एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में 2016 से इन्वॉल्व था वर्किंग विद डिफरेंट एन जी ओज यू नो आप वॉलंटियर करते हैं यू आर इन टू द कम्युनिटी बिल्डिंग आप डिबेटिंग करते हैं इन सारी चीज़ों में तो इन 2017 आई गॉट अवार्ड फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान एज अ इनोवेटिव इनिशिएटर देन इन 2018 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विच आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी जिन्होंने मेरी हेल्प की मैं रशिया किया देन इन 2019 अगेन वो यू एस वाली जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी दैट वॉज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आई वुड से 2020 में आई वेंट टू टर्की ये सारी चीज़ें को लिंक थी आई वॉज वर्किंग ऑन यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्ट्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आई वॉज राइटिंग तो जब आप इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं डेफिनेटली आपके लिंक्स बनते हैं यू गेट टू नो पीपल यू गेट टू नो मोर अपॉर्चुनिटीज इन सब की तो आई वुड से कि इससे ज़्यादा लर्निंग बुक से ज़्यादा लर्निंग आपको इस चीज़ में बिल्कुल और इससे सारे लर्निंग ने आपको आपके सीएसएस में भी हेल्प किया होगा दैट्स ट्रू आई स्टैंड आई वुड से कि इसने मुझे 80% हेल्प किया 80% नहीं तो 70% तो किया ही किया क्यों क्योंकि आपके एट द एंड ऑफ द डे अ मैन इज अ सोशल एनिमल राइट वी ऑल एग्री विद एरिस्टोटल समटाइम्स नॉट समटाइम्स डू बट जैसे एरिस्टोटल ने कहा मैन इज अ सोशल एनिमल तो आप सोसाइटी से ज़्यादा लर्न करते हैं आप अपने इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट से ज़्यादा लर्न करते हैं वही फिर आपको बनाती हैं कि वेदर यू आर डिसिप्लिन पर्सन वेदर यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन वेदर यू आर इंटेलिजेंट पर्सन या आप सिर्फ यू नो यू आर लग्जरी पर्सन और आप लीडर हैं समथिंग लाइक दैट तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की तो यस दिस हैपेंड इन 2022 आई गॉट द यूएन यूथ आइकॉन अवार्ड सो यस दिस हेल्प मी अलॉट ठीक है अब आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ जो एफपीएससी के साथ आपका फाइनल इंटरव्यू था और आपने इंटरव्यू में भी 180 स्कोर किया आपका बहुत अच्छा स्कोर है तो जो आपका इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताइए और इंटरव्यू अभी इस इंटरव्यू से पहले आप शेयर कर रहे थे कि उस इंटरव्यू से पहले एक वो जो चीज़ हो गई वो भी शेयर करें या एग्जैक्टली आई वाज शेयरिंग इट विद यू फर्स्टली थैंक यू थैंक्स टू नोआ दे हेल्प मी अ लॉट इन द इंटरव्यू बिकॉज आई केम हियर to Noah for a couple of mock interviews and yahan pe faculty ne staff ne especially I would say yahan ka staff bhi bahut zyada acha they actually helped me a lot and unhone kafi respect di to it helped me a lot in the final interview and in the psychological as well jo final interview ka main incident bata deta hu aapko main apne jo notes the digital notes bana raha tha e-notes ek hafta pehle mere final interview it was on May 9th to around 1st-2nd May ko mera mobile and my laptop got reset एंड मेरा डाटा सारा गायब हो गया बट फॉर्चुनेटली यू नो इंजीनियर्स ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान सो फॉर्चुनेटली मैंने अपना जो कुछ डाटा था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जैसे शॉर्ट नोट्स हो गए या इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे वो मैंने गूगल डॉक्स पे बनाए हुए थे सो एवरीथिंग दैट इज़ मेड ऑन क्लाउड इज ऑलवेज सेफ ठीक है अनलेस अनटिल आप अपना ईमेल घुमाते तो वो मुझे उसने बड़ा फ़ायदा दिया आई बॉट अ न्यू मोबाइल मैंने अपना जब लॉग इन किया अपना गूगल जीमेल अकाउंट तो वो डाटा सारा वापस आ गया जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट था दैट हेल्प मी प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू Now, going panic to, नहीं हुए आपने सोच लिया है कि अब क्या करना है एक दिन के लिए पैनिक हुआ था मैं अच्छा। like, okay, what's going on? लेकिन स्टिल यू नो आपको सोचना पड़ता है जब आप दिमाग लड़ाते हैं तो कुछ भी यू नो यू गेट बैक टू थिंग्स नाउ गोइंग बैक टू द इंटरव्यू जो मेरा फाइनल इंटरव्यू था 9th May को था एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन ऑन दैट डे अच्छा यस एंड मेरे इंटरव्यू वाले दिन काफ़ी यू नो एक प्रेशर बिल्ड होता है इंसान के ऊपर और आखिरी बंदे हो तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है बिल्कुल तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया जब मैं इंटरव्यू देने गया तो विद इन 10 seconds काफ़ी काम सिचुएशन हो गई एंड इट वाज नथिंग लाइक दैट कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ इट वाज जस्ट लाइक आई वाज टॉकिंग टू द पैनलिस्ट दे वर रियली गुड हम्बल स्ट्रेट टू द पॉइंट दे वर क्रैकिंग जॉक्स एज वेल लेकिन मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था आई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से यूएस हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे एंड मेरे अराउंड 90% क्वेश्चंस आई वाज टू आंसर कुछ ड्रॉप भी हुए लेकिन इट वाज अ गुड इंटरव्यू जब मैं बाहर आया तो आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि ओके एलोकेशन हो जाएगी अच्छा यस तो इट वाज अ गुड इंटरव्यू ठीक है तो मतलब इंटरव्यू देखे जब बाहर आए तो तभी ये एक वाइब आ गई थी एलोकेशन हो जाएगी तो आपको आइडिया था कि आपकी एलोकेशन क्योंकि जो भी आपने प्रायोरिटी में अपने ग्रुप्स रखे हुए थे कि इनलैंड एंड रेवेन्यू सर्विस ही आपको मिलेगा और आप इस पे सेटिस्फाइड हैं इस ग्रुप से या आपको कोई और ग्रुप चाहिए था डेफिनेटली आई एम सेटिस्फाइड आई वुड से कि जितना अभी इनलैंड रेवेन्यू का स्कोप है
और अगेन यू नो एक एंटाइटलमेंट होती है एज एन असिस्टेंट कमिश्नर, देन एक सोशल प्रेस्टीज, एंड देन जो आपका स्कोप ऑफ वर्क है, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस एंड अ लॉट ऑफ पावर एंड अ लॉट ऑफ ग्राउंड इम्पैक्ट. ठीक है, आज आप देख लें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, इकोनॉमी क्या है. आई वुड से कि इकोनॉमी से बड़ा मसला पाकिस्तान का अभी कोई नहीं है. बिल्कुल ठीक है. तो आई एम इन अ ग्रुप जहाँ पे मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला सकता हूँ. आई कैन हेल्प द स्टेट, आई कैन हेल्प द पीपल, यू नो गेटिंग द टैक्सेस एंड ऑल दैट. आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. इट वॉज माई थर्ड प्रायोरिटी, बट आई एम रियली सेटिस्फाइड एंड आई लैंडेड इन अ रियली गुड ग्रुप. ठीक है सर, मैं चाहूँगी इंटरव्यू के एंड पे आप हमारे जो भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए कोई पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक या कोई भी टिप और ट्रिक अपनी शेयर करना चाहें सीएसएस के हवाले से, तो वो प्लीज़ शेयर करना. श्योर. फर्स्टली मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स ने अभी अप्रोच भी किया है एंड काफ़ी पूछते भी हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं. आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. लाइक मुझे समझ नहीं आती व्हाई आर यू फियरिंग, अब किस चीज़ का फियर है. गो फॉर द अटेम्प्ट्स, गो फॉर योर लर्निंग. देखें जैसे मैंने पहले भी कहा, एक डिसिप्लिन पैटर्न पे मैंने अपना जो प्रोफाइल, जो मेरा स्केड्यूल था, इट वॉज ऑन एक्सेल फाइल, गूगल शीट्स के ऊपर था. एंड मेरे से चार कॉलम्स थे. द फर्स्ट वन वॉज द डेट, द सेकेंड वन वॉज द डे, थर्ड वन सब्जेक्ट था, एंड जो फोर्थ वन था उसके अंदर स्कीम थी कि मैंने सुबह 9:30 पे उठना है, 10:30 तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है, 10:30 से मैंने 12:30 तक न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, वोकैबुलरी पढ़नी है, 12:30 से 5 तक बिकॉज मेरा ऑफिस 5 तक था, 5 पे स्टार्ट होता था, 5 तक मैंने सब्जेक्ट्स रिवीजन करनी है, फिर बैक वापस आकर ऑफिस से मैंने क्या पढ़ना है, ऑल दैट. आप जब इस चीज़ को आपने बना लिया है, नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद योर स्केड्यूल, आप इसको फॉलो करें, देर इज़ नथिंग गोइंग बैक. इट विल हेल्प यू अलॉट. अगेन, टारगेट द मून, यू विल एंड अप इन द स्टार्स. डोंट ओनली पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एस दे से इट. देर शुड बी अ प्लान बी, लेकिन अगेन प्लान ए के ऊपर इतना फोकस करें कि आपका प्लान ए अचीव हो. विद ऑल दिस डिसिप्लिन रहें, अच्छी इंटेंशंस रखें, एंड गेट बैक टू दिस सोसाइटी एंड पे इट. इट हैज़ गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी टू बी एन एसेट ऑफ दिस कंट्री, बी एन एसेट ऑफ दिस कंट्री. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू सो मच समर, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड गुड लक विद योर फ्यूचर इंडिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थे समर शहबाज, जिन्होंने सीएसएस 2022 में पूरे पाकिस्तान में 86 पोजीशन हासिल की है. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज. अल्लाह हाफिज़.